अब हमको इस सबमिट पर काम करना है, यानी ये जैसे सबमिट हो तो ये डेटा हमारे पास डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऑन क्लिक इवेंट पे, यानी ये जो बटन है ना, इसके ऑन क्लिक इवेंट पे एक फंक्शन बना देंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है ऑन क्लिक, और इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल सबमिट, या फिर मॉडल सबमिट कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से याद रहे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हैंडल मॉडल सबमिट, कॉपी कर लेते हैं इसको और टॉप पे इसको क्रिएट कर लेंगे। तो स्टेट के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका यूज कर लेंगे, और कमेंट भी बना सकते हैं आप हैंडल मॉडल डेटा, और यहाँ पर उसको क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल टू एरो फंक्शन। ये नॉर्मल एरो फंक्शन हमारा बन चुका है, इसको एसिंक फंक्शन बना लेंगे यहाँ पर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है ट्राई और कैच ब्लॉक। कैच में सिंपल हम क्या करेंगे कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट करा दो। ट्राई के अंदर एक कंडीशन में ऐड कर देता हूँ, इफ नॉट ब्लड ग्रुप, अगर इसने ब्लड ग्रुप प्रोवाइड नहीं किया, थोड़ा सा वैलिडेशन हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, या फिर और की कंडीशन हम ऐड कर देंगे नॉट ब्लड टाइप, और अगर टाइप भी यहाँ पर सेलेक्ट ना किया हो, और इसका नाम क्या रखा था हमने इन्वेंट्री टाइप है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन्वेंट्री टाइप, और की कंडीशन मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। एक और कंडीशन हम चेक कर लेंगे क्वांटिटी, इन्वेंट्री टाइप की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये सेलेक्टेड रहेगा, हमने इसमें इनकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा है क्योंकि हमने इनिशियली इसको इनकी प्रॉपर्टी दी है ना, तो वो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्वांटिटी हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं क्वांटिटी। और इसमें हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों चीजें हमको नहीं मिलती है तो रिटर्न हो जाएंगे, और रिटर्न में आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर अलर्ट भी शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल अलर्ट बॉक्स ऐड कर देता हूँ, और इसमें कोई भी मैसेज ऐड कर सकते हैं, प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड, ये एरर मैसेज हमने ऐड कर दिया। सेव करके इसको टेस्ट कर लेंगे, पहले चलते वापस एप्लीकेशन पर, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ पहले शुरू क्लोज कर देता हूँ, वापस से इसको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश, तो यहाँ पर अभी कुछ भी सेलेक्ट नहीं है देख सकते हैं आप। तो डोनर ईमेल हम ऑप्शनल रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा तो देखिए वैलिडेशन मैसेज बराबर से शो कर रहा है, प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड्स। अब रेस्ट डेटा पे हम काम करेंगे, अगर ये कंडीशन सक्सेसफुली इवेलुएट हो जाती है, अब हम क्या करेंगे नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, या फिर आप इसको डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, और डिस्ट्रक्चर करने के बाद आपको डायरेक्टली जो यहाँ पर डेटा मिलता है, तो हम क्या करेंगे डिस्ट्रक्चर कर लेंगे डेटा को। उसके बाद में हम यहाँ पर अवेट करेंगे, हमारा फंक्शन एसिंक है तो अवेट कर सकते हैं हम। उसके बाद में एपीआई का यूज करेंगे, मेक श्योर इसको भी आप इंपोर्ट करिए, सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, फाइल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगी। इसकी मदद से हम क्या करेंगे यहाँ पर पोस्ट मेथड देख लेंगे, जो हमने एपीआई बनाया था उसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे यूआरएल पाथ दे देंगे स्लैश इन्वेंट्री, उसके बाद में फिर जो भी टाइप था आगे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे इन्वेंट्री का राउट जो था ना वो एक बार चेक कर लेंगे, इन्वेंट्री राउट, और इसमें हमारे पास था देखिए क्रिएट इन्वेंट्री, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहीं से, और इसके आगे पेस्ट कर देंगे। फर्स्ट हमारे पास है इन्वेंट्री, उसके बाद में फिर क्रिएट इन्वेंट्री, इसके बाद में हमको क्या करना है डेटा को पास कराना है, तो एक और ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे बना देंगे। इसमें हमको सबसे पहले चाहिए डोनर का ईमेल, ऑर्डर आप चेंज भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमारे पास है इन्वेंट्री टाइप, तो आप लिखेंगे इन्वेंट्री टाइप। फिर उसके बाद में हमारे पास रहेगा ब्लड ग्रुप, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ब्लड ग्रुप। क्वांटिटी भी चाहिए तो क्वांटिटी को भी आप ऐड कर देंगे। इसके साथ में हमको और एडिशनल फील्ड्स भी चाहिए, जैसे कि ईमेल, ईमेल किसका चाहिए यूजर का, आप जो भी लॉग इन यूजर है उसका ईमेल भी हमको यहाँ पर स्टोर कराना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे यूज सेलेक्टर की मदद से जो भी लॉग इन यूजर है स्टेट में से उसका ईमेल जो है गेट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें यहाँ पर इंपोर्ट कर लें यूज सेलेक्टर हुक को, तो आपको लिखना है यूज सेलेक्टर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे यहाँ पर गेट कर लेंगे यूजर को कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर। यूज सेलेक्टर की मदद से हम क्या कर सकते हैं स्टेट को टारगेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेट, और स्टेट की मदद से हम क्या करेंगे जो भी हमारा रिड्यूसर है, जैसे कि हमारे केस में ऑथ है, ऑथ के अंदर हमारे पास है लोडिंग एरर और यूजर, तो यूजर को गेट कर लेंगे। यूजर को गेट करने के बाद हम क्या करेंगे ईमेल की जो फील्ड है उसको जो है फुलफिल करा देंगे ताकि ये उसकी मदद से डेटा को फेच करा पाए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल, और उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर जो यूजर आ रहा है उसको चेक कर लेंगे, अगर यूजर मिलता है तो उसके अंदर हमको ईमेल की फील्ड मिलेंगी तो उससे इसको फुलफिल करा दो। सेम उसी तरीके से हमारे पास रहने वाला है ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमने इन्वेंट्री मॉडल के अंदर भी ऐड करके रखा है ना, देख सकते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन, तो ये चीज़ भी हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर उसको भी गेट कर लेंगे। तो आप लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें भी हम क्या करेंगे यूजर की जो आईडी है ना उसको यहाँ पर पास करा देंगे। तो आपको लिखना है यूजर, अगर यूजर मिलता है तो उसकी अंडरस्कोर आईडी की जो फील्ड है उससे जो है ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल कर लो। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमने पास करा दी। उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर कंडीशनली जो है चेक कर लेंगे हमको सक्सेस रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं। तो इफ डेटा, अगर हमको डेटा मिलता है और उसके अंदर हमको सक्सेस रिस्पॉन्स मिलता है
तब क्या करो, यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज शो कर दो। अलर्ट मैसेज में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड। और साथ ही में हम क्या करेंगे, हमारे पेज को जो है रिफ्रेश कर लेंगे। अभी फोर्सफुली मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ विंडो ऑब्जेक्ट की मदद से, बाद में इसको फिक्स करेंगे। तो आपको लिखना है विंडो डॉट लोकेशन, सॉरी लोकल स्टोरेज नहीं, ये है लोकेशन, और इसके अंदर हमारे पास है रीलोड का फंक्शन, तो इसको आपको कॉल करना है। और सेम चीज मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एरर के अंदर भी। तो एरर भी रहा तो हम क्या करेंगे, इसको जो है रिफ्रेश करा देंगे, पेज को सेव कर लेते हैं इसको। अब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो MongoDB कॉम्पस को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, और आपको जो है अपने क्लाउड डेटाबेस से कनेक्ट हो जाना है, ताकि जो न्यू रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है ना उसको आप चेक कर पाए, क्योंकि अभी हमने इसको फ्रंट एंड पे कनेक्ट नहीं किया, यानी शो नहीं कराया ना, इसीलिए हमको जो है डायरेक्टली डेटाबेस में देखना पड़ेगा। सो ये है हमारी एप्लीकेशन ब्लड बैंक, और इसमें है इन्वेंट्री, और मेरे पास दो रिकॉर्ड है, आपके पास हो सकता है जीरो हो। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे। अब ये रही हमारी एप्लीकेशन, रिफ्रेश कर लेंगे इसको और टेस्ट कर लेंगे। इन्वेंट्री पर क्लिक करिए, इन पर आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कोई भी, जैसे कि ए पॉजिटिव। इसके बाद में ईमेल एड्रेस नहीं है, इसीलिए मैं एन ए लिख रहा हूँ, यानी नॉट अवेलेबल। और क्वांटिटीज में आप कितनी भी लिख सकते हैं, जैसे कि 30, और इसको जो है ML में कर देंगे हम। मॉडल के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्पेसिफिकली बता देता हूँ कि ये ML में क्वांटिटी है, ब्रैकेट में जो है ML लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको पता चले ये ML में है। अब यहाँ से हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो देखिए न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड। डेटाबेस में एक बार चेक कर लेंगे, चलते वापस डेटाबेस में। अभी हमारे पास टू रिकॉर्ड्स हैं, रिफ्रेश कर लेंगे तो देखिए तीन रिकॉर्ड्स बराबर से आ रहा है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए बराबर से ब्लड ग्रुप यहाँ पर ऐड हो रहा है, फिर क्वांटिटी है, ईमेल आईडी में NA है, ऑर्गेनाइजेशन की आईडी भी बराबर से आ रही है। तो परफेक्टली चीजें यहाँ पर काम कर रही है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, इस सारे का सारा डेटा जो है फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कराना है। तो कैसे कराएंगे, बहुत सिंपल है, उसके लिए आपको जाना है होम पेज में। सो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और हम जाएंगे होम पेज में, और यहाँ पे हम उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो कैसे डिस्प्ले कराएंगे, इनिशियल टाइम पे चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करेंगे, और उसी के साथ में हम यूज स्टेट की मदद से एक वेरिएबल भी बना देंगे। तो आपको लिखना है यूज स्टेट, जिसमें हम इसको इनिशियल टाइम पे स्टोर कराने वाले हैं। तो यहाँ पे आप एक स्टेट बना दे सबसे पहले, जिसमें हम डेटा रखेंगे, कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा। आप चाहे तो इसको रिडक्स की मदद से भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट करने वाले हैं। सो गेट फंक्शन यहाँ पे बनाने वाले, कॉन्स्ट इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ गेट ब्लड रिकॉर्ड्स इक्वल टू एरो फंक्शन, और इसको एसिंक कर लेंगे, एसिंक एरो फंक्शन। और इसके अंदर भी ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेंगे। तो आपको लिखना है ट्राई और कैच ब्लॉक, कैच में सिंपल कंसोल डॉट लॉक कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट करा दो। तो आपको लिखना है एरर। ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, सिर्फ एक API कॉल करना है, जैसे कि हमने बना के रखा है ना। तो कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर कर लेंगे डेटा को, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवेट करेंगे। तो आपको लिखना है अवेट, फिर हम API कॉल करेंगे, मेक श्योर इस फाइल को भी आप इम्पोर्ट करें, सजेशन आपको शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, फाइल ऑटोमेटिकली जो है इम्पोर्ट हो जाएंगी। उसके बाद में इसमें जो मेथड है वो है गेट का मेथड, और फिर URL आपको ऐड कर देना है, हमारे केस में है इन्वेंटरी, इन्वेंटरी के बाद में स्लैश लिखना है, और उसके बाद में गेट डैश इन्वेंटरी, मेक श्योर स्पेलिंग सही लिखें। मैं एक बार इसको जो है ना राउट में फिर से चेक कर लेता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसीलिए जो है इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये वाला है देखिए गेट डैश इन्वेंट्री, तो इसको हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कट करके पेस्ट कर देता हूँ, गेट इन्वेंट्री। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सक्सेस केस चेक कर लेंगे, इफ डेटा, अगर हमको डेटा मिलता है और उसमें सक्सेस रिस्पॉन्स हमको मिलता है, तब हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे डेटा को, जो हमारा स्टेट है उसको हम फुलफिल करा देंगे ये जो डेटा है उससे। और इस डेटा के अंदर हमारे पास इन्वेंट्री का एक और ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन्वेंटरी, मेक श्योर एक बार इसको क्रॉस चेक कर लें। हम क्या करेंगे, इन्वेंटरी का जो कंट्रोलर है ना उसको भी देख लेंगे एक बार, ये रहा हमारे पास गेट इन्वेंटरी कंट्रोलर, और उसमें हमारे पास था इन्वेंटरी। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने एज अ रिस्पॉन्स इसको सेंड करा के रखा है, तो इसका हम यूज कर लेंगे। तो आप डायरेक्टली जो इसको लिख सकते हैं, अगर डेटा मिलता है तो उसके बाद में जो भी इन्वेंटरी है उससे हमारे डेटा को सेट कर दो, और स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ये सेट हो गया, तो ये है सेट डेटा। यहाँ पे भी आप इसको एक बार फिक्स कर लें। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन बन चुका है, अब हमको इनिशियल टाइम पे इसको कॉल करना है। सिंपली हम उसके लिए क्या करेंगे, यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर हम एरो फंक्शन बना देंगे, एरो फंक्शन, और साथ ही में डिपेंडेंसी का एरे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो आपको लिखना है गेट ब्लड रिकॉर्ड, और इस फंक्शन को आप कॉल कर देंगे, सेव कर लेते हैं इसको। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग भी कर देंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि इसको प्रिंट कराने से पहले जो भी डेटा है ना उसको मैं चेक कर लेता हूँ, कौन सा डेटा है, ये वाला डेटा है, सेव कर लेते हैं इसको। चलते वापस एप्लीकेशन पर और इंस्पेक्ट कर लेंगे, इंस्पेक्ट कंसोल।
और बहुत सारे वार्निंग्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो आप इसको फिक्स करने की कोशिश करिए, लास्ट में हम इसको टोटली जो है फिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्ट आ रहा है अपने पास, इन्वेंट्री का एरे है, ये बराबर से आ रहा है। और आप चाहे तो इसको जो है एरे भी बना सकते हैं, इसका टाइप, ये जो हमने सेट डेटा का टाइप बनाया है ना, इसको आप एरे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एरे बना ले, चलते हैं वापस, देखिए बराबर से रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। और यहाँ पर इन्वेंट्री को एक्सपेंड करेंगे तो इसमें हमारे पास दो रिकॉर्ड्स हैं। अब इसको हमको सिर्फ डिस्प्ले कराना है, अगर इसको आप फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो सारा का सारा डेटा इसमें आपको मिलेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल का इस्तेमाल कर लेंगे। तो बूटस्ट्रैप में हम क्या करेंगे, टेबल को सर्च कर लेंगे। तो आपको लिखना है टेबल, तो कुछ इस तरीके से टेबल काम करता है, आप इसका यूज कर सकते हैं। सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, होम पेज में जो है नीचे इसको ऐड कर देंगे इस मॉडल से पहले। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको कन्वर्ट करना है JSX में, तो इसको सेलेक्ट करिए पहले, शुरू जितना भी टेबल वाला पार्ट है इसको सेलेक्ट करिए, कन्वर्ट HTML to JSX, सेव कर लेते हैं इसको और एक बार देख लेंगे कैसा दिख रहा है। चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। और डेवलपर टूल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हमको क्या करना है, इस टेबल के अंदर डेटा को डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स्ट्रा फील्ड्स को जो है रिमूव कर देंगे। ये TR को मैं रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम का नाम दे देंगे, और इसमें आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं ब्लड का टाइप ऐड कर देता हूँ, ब्लड, ब्लड ग्रुप कर देंगे, ब्लड ग्रुप। उसके बाद में इन्वेंट्री टाइप, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी ऐड कर देंगे, क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद में हमारे पास है डोनर ईमेल, सो आप लिखेंगे डोनर ईमेल। और उसके बाद में टाइम और डेट भी आप यहाँ पर शो करा सकते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं एक बार, टाइम एंड डेट दोनों को हम डिस्प्ले कराने वाले, सेव कर लेते हैं एक बार। और कुछ इस तरीके से भी दिख रहा है। अभी ये एक्चुअल में हमको रियल डेटा यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। और आप चाहे तो कंटेनर फ्लूइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल के अंदर मैं क्या करता हूँ, उसको कर देता हूँ कंटेनर सेव, और कंटेनर बराबर से काम नहीं कर रहा है, तो इसके बदले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास बनाता हूँ मैं कंटेनर, और इसको जो है एंड में कर देंगे मॉडल के बाद में, इसको कंटेनर के अंदर ऐड कर देंगे और टेबल के अंदर से कंटेनर रिमूव कर लेता हूँ, सेव। देखिए आप कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, थोड़ा सा स्पेस भी ले रहा है ना, पहले ये चिपक के आ रहा था पूरा। अब रियल डेटा हमको यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, तो इस TD को आप रिमूव भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप क्या करें, एक TD को रहने दीजिए और इस TH को मैं रिमूव कर लेता हूँ। इस TD के अंदर हम क्या करेंगे, इससे पहले, और इसको मैप तो करना भूल गए हम, ये जो भी डेटा है ना इसको पहले शुरू मैप करना है, यानी वैल्यूज को हमको एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस टी बॉडी के अंदर क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे डेटा। अगर हमको डेटा मिलता है तब क्या करो, मैप करो। मैप के अंदर हमको सिंगल डेटा मिलेगा, या फिर आप इसको कह लीजिए रिकॉर्ड, हमको रिकॉर्ड मिलेगा। और इस रिकॉर्ड की मदद से हम फिर TR को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस TR को आप यहाँ से कट कर दीजिए, कट करने के बाद इसमें पेस्ट कर देंगे और थोड़ा सा इसको अलाइन कर देते हैं। मैं सेव कर लेता हूँ पहले, तो ये प्रॉपरली अलाइन हो जाएगा। इस TR के अंदर आप जो है की प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, की। और इस की के अंदर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड के अंदर जो भी ID है उससे इसको फुलफिल करा देंगे। तो आप लिखेंगे रिकॉर्ड, जो सिंगल रिकॉर्ड आ रहा है उसके अंदर जो _ID की फील्ड है उससे इसको फुलफिल करा दो। और TD के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट करने वाले हैं सबसे पहले ब्लड ग्रुप को, सो रिकॉर्ड के अंदर से हम क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप को ऐड कर देंगे। तो आपको लिखना है रिकॉर्ड, और उसके बाद में हमारे पास है ब्लड ग्रुप। मेक श्योर इसको मॉडल में से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इन्वेंटरी मॉडल, ये हमारे पास ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लड ग्रुप। इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे मल्टीपल टाइम्स। ब्लड ग्रुप के बाद में हमारे पास है इन्वेंट्री टाइप, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन्वेंट्री टाइप। उसके बाद में हमारे पास है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी को भी कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर देता हूँ मैं क्वांटिटी। उसके बाद में हमारे पास है डोनर ईमेल, कॉपी कर लेंगे इसको भी और यहाँ पर ऐड कर देंगे डोनर ईमेल। अगेन एक और बार कॉपी कर लेंगे, हमको यहाँ पर डेट भी शो कराना है ना, तो उसके लिए हमारे पास होता है क्रिएटेड एट की प्रॉपर्टी, जो कि हमने टाइम स्टैम्प यूज किया था ना उसकी मदद से डिस्प्ले होता है। सेव कर लेंगे इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए बराबर से दो रिकॉर्ड हमारे पास शो हो रहे हैं, और ये थोड़ा सा टाइम और डेट का फॉर्मेट आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूवमेंट पैकेज है जिसमें आप जो है डेटा और टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेटेड टर्मिनल का यूज करेंगे और मूवमेंट की लाइब्रेरी को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे NPM I मूवमेंट, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए। तो ये पैकेज, और सॉरी इसको इसमें नहीं करना है, हम सबसे पहले जो है क्लाइंट डायरेक्टरी के अंदर स्विच हो जाएंगे। तो आपको लिखना है CD क्लाइंट, और यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल करना है NPM I मूवमेंट। तो ये पैकेज रिएक्ट की एप्लीकेशन में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। छोटा सा पैकेज है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो यहाँ पे ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ और टॉप पे इसको इंपोर्ट कर देंगे सबसे पहले। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मोमेंट को इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट मोमेंट फ्रॉम मोमेंट, जो मोमेंट का पैकेज है उसमें से हम इसको इंपोर्ट कर देंगे।
और यहाँ पर जो रिकॉर्ड हम डायरेक्टली डिस्प्ले करा रहे थे ना, इसके बदले इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, और हम मोमेंट का इस्तेमाल कर लेंगे। तो आपको लिखना है मोमेंट, और इसके अंदर क्या करेंगे हम, एक फंक्शन है इसके अंदर जो है इसको पास करा देंगे, और उसके बाद में बहुत से मेथड्स आपको मिलते हैं। जैसे आप डॉट चेन करेंगे तो बहुत से मेथड मिल जाएंगे। हम यहाँ पर फॉर्मेट का इस्तेमाल कर लेंगे, फॉर्मेट के अंदर आप इसको बता सकते हैं कौन से फॉर्मेट में आपको चाहिए। जैसे कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रिंग ऐड कर दें, इसमें DD यानी डेट, उसके बाद में MM फॉर मंथ, और YYY फॉर ईयर्स, और उसके बाद में आप जो है टाइम भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आवर्स एंड मिनट्स, और उसके बाद में आप अगर कैपिटल लेटर में A लिखेंगे, AM PM दोनों शो करेगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश कर लेंगे इसको। तो देखिए परफेक्टली जो है टाइमिंग भी बराबर से शो कर रहा है। तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पर इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स को भी गेट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इस आउट पर काम करेंगे, और इसकी मदद से जो भी डिडक्शन होगा वो भी हमको कैलकुलेट करना है, तो वो भी सारी चीजें भी बाकी है।